तो हेलो गैज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गैज, आज हम जाने वाले हैं पासपोर्ट रिन्यू के लिए, जो नेपाल में। आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा कि पासपोर्ट रिन्यू के लिए क्या क्या लगता है प्रोसेस, और पासपोर्ट रिन्यू के लिए क्या क्या लगता है प्रोसेस, और आप लोगों को सभी पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि क्या क्या एक दिन का 24 घंटा का जो पासपोर्ट बनता है नेपाल में, वो प्रोसेस क्या क्या लगता है। तो सो गाइज, आप लोग जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में, और डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड तो गाइज, फाइनली हम निकल चुके हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। तो हम लोग अभी निकलेंगे, वहाँ पे जाके आप लोग को पूरा अपडेट कराऊँगा कि पासपोर्ट बनाने में क्या क्या प्रोसेस लगता है, और काठमांडू का पूरा व्यू भी दिखाऊँगा। गाइज, आप लोग देख सकते हो, अभी मैं काठमांडू में हूँ, नखू नखू चौक पे। तो आप लोग प्लीज़, और ये चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। कोई मिस्टेक होगा तो बताइएगा। और ये आज का टॉपिक है ये कि नेपाल में आप लोग 24 घंटा वाला पासपोर्ट बनाते हो तो क्या क्या प्रोसेस लगता है। तो आज का टॉपिक यही है, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। तो गाइज निकलते हैं, और फाइनली हम अभी नक्खू चौक आ चुके हैं। सीधे जाकर हम लोग को देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चलता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सेफ ड्राइव करना पड़ता है गाइस। तो इसलिए कभी भी आप लोग नेपाल के काठमांडू में आओगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ड्राइविंग करिएगा, तो नहीं तो भाई एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो गाइस, लोग अभी ज्वाला खेल पुगने वाले हैं, तो ज्वाला खेल पुगने के बाद वहाँ त्रिपुरेश्वर के लिए निकलेंगे। त्रिपुरेश्वर में जो पासपोर्ट बनाने का ऑफिस है, वहाँ पे विजिट करेंगे, और आप लोगों को सभी पूरा आईडी पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या लगता है, क्या क्या वो चाहिए अभी जेन्युइन अभी पासपोर्ट बनाने के लिए। तो गाइस, आप लोगों को सभी दिखाऊँगा, रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। ज़्यादा इधर राइड करता है बंदा। तो गाइज, हम लोग को अभी वहाँ पे पुगने में करीब वही 20-25 मिनट लग जाएगा। तो आप लोग को देखते रहिए और जहाँ करते रहिए हमारे ये ब्लॉग, और ब्लॉग में देखते रहिए काठमांडू का जो व्यू है, आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए काठमांडू में कैसा जगह है, कैसा है, कौन सा एरिया अच्छा है, तो आप लोग देखते रहिए। और प्लीज़ गाइस, ये राज मोटो ब्लॉगर का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ डू सपोर्ट गाइस, आप लोग के लिए ऐसा ऐसा टॉपिक मैं लाता रहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ भाई ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है भाई, आप लोग देख सकते हो, पूरा फॉलो करना पड़ता है। अभी हम लोग ज्वाला खेल का जो बाईपास है उसमें है भाई, इधर सिटी में भी देख सकते हो भाई कितना टर्निंग मिलता है, टर्निंग करने को मिलता है। तो गाइस प्लीज, क्या करना चाहता है भाई, इच, भाई ये सिटी है ना ज्वालाखेल का, ये जो सिटी है बहुत अच्छा है, इधर ज़्यादातर फॉरनर लोग रहता है, और इधर में आप लोग देख सकते हो भाई कितना ग्रो किया है ये सिटी। फॉरनर हो गया तो भाई इधर ब्रांडेड आइटम ज़्यादा मिलता है, इधर ज़्यादा ब्रांडेड आइटम मिलता है क्योंकि इधर ज़्यादा फॉरनर रहता है, तो इसलिए आप लोग ज्वालाखेल के जो इधर फॉरनर लोग का जो सिटी होगा, आप लोग गेस कर सकते हो कितना अच्छा है। जाना पड़ेगा इधर, जाने के लिए इधर से कट मारना पड़ेगा, नहीं देखना भाई टैक्सी वाला को। नो साइड लाइट देख रहा है भाई, साइड लाइट भी नहीं दे रहा है लोग, अभी दे देखना।
अभी दे रहे हैं। और यहाँ से हम लोग को निकलकर पूरा पुल क्रॉस, पुल पे जाना पड़ेगा। पुल पे जाने के बाद उधर से सीधा लेफ्ट लेकर हम लोग को निकलना पड़ेगा। रोड कर सकते हो भाई, रास्ता देख सकते हो, रोड देख सकते हो, कितना क्रॉसिंग लगता है, कितना रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाना पड़ता है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, काठमांडू में कभी भी आओ तो बहुत अच्छा से ड्राइविंग करो, नहीं तो भाई लग सकती है 1500-2000 का फाइन। तो गाइस आप लोग कभी भी काठमांडू में आइएगा तो पूरा सेफ ड्राइव कीजिएगा और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ड्राइविंग कीजिएगा, नहीं तो भाई फाइन लग सकता है। हम लोग को अगर इधर काटना है तो इधर का साइड लाइट लेना पड़ता है। अरे कल यार राइट के चक्कर में बहुत ज़्यादा भिज गए थे तो पूरा शादी करके आ गया। तो गाइस ये भी ठीक करना है सर, ये चेकआउट कर सकते हो भाई, कितना गाड़ी गाड़ी का चेकआउट कर सकते हो भाई, कितना जंक्शन होता है इधर, जाम बहुत ज़्यादा लगता है। 10 बजे ऑफिस टाइम है, ज़्यादा जाम लगता है, तो चेकआउट आप कर सकते हो। फाइनली अब हम लोग पुगने वाले हैं पासपोर्ट ऑफिस, जहाँ पासपोर्ट बनता है वो ऑफिस में पुगने वाले हैं। जस्ट 5 मिनट लगेगा हम लोग को पुगने में वहाँ पे, तो आप लोग को दिखाऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या करना पड़ता है और सभी प्रोसेस दिखाऊंगा। ऐसे हम लोग सीधे जाएंगे और सीधे जाने के बाद थोड़े दूर जाने के बाद लेफ्ट लेंगे, बोलता है त्रिपुरेश्वर। त्रिपुरेश्वर में ये ऑफिस है, सबसे लेफ्ट साइड में इसका ऑफिस है पासपोर्ट बनाने का। तो गाइस कभी भी आइएगा तो ये लोकेशन में आ जाओ, आप लोगों को पासपोर्ट बनाना है तो ये लोकेशन में आ सकते हो। गाइस फाइनली हम पुग चुके हैं जहाँ पासपोर्ट बनता है, वहाँ पे पुग चुके हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो भाई कितना जंक्शन है पासपोर्ट बनाने के लिए, तो आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस लगता है यहाँ पे। फाइनली अब हम लोग ये गाड़ी पार्किंग करेंगे और पार्किंग करने के बाद फिर दिखाऊंगा आप लोगों की क्या क्या लगता है। पार्किंग आई ना होता 2 नंबर। 2 नंबर वा यस, पार्किंग ये थी तो पहला ही ना पहला ये थी आप ए यस यस, थैंक यू। किंग उधर था, अभी चेंज कर दिया, उधर है पार्किंग, तो उधर पार्क करना पड़ेगा हम लोगों। 2 नंबर गेट पार्किंग कता हो, 2 नंबर गेट कता हो, 2 नंबर गेट के यही हो। तो गाइस 2 नंबर गेट बने तो यही है ना। तो गाइस हम लोग का ये 2 नंबर गेट आ चुके हैं, पार्किंग कता छ, पार्किंग एता रही छ, और सीधा जाने गाइस। फाइनली हम लोग पार्किंग अपार्टमेंट में छिड़ चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग का पार्किंग है, पार्किंग करने करेगा गाइस। यहाँ से हम लोग को पार्किंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पार्किंग करते हैं, वहां से तब निकलते हैं। गाइस तो गाइस फाइनली ये ई पासपोर्ट का जो फॉर्म है हम लोग बुझा चुके हैं और यहाँ से हम निकलेंगे। और ये पासपोर्ट हमारा आज ये फॉर्म सबमिट करने के बाद 2 दिन बाद आएगा, तो देखते हैं। और जो मोबाइल में आने के बाद आपको 2 दिन में यहाँ पे आना पड़ेगा और अपना पासपोर्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस तो यहाँ से अभी निकलते हैं हम लोग,
अपने रूम के। लेकिन पहले से भी पहले से बहुत कम गाड़ी चल रहा है काठमांडू में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आता रहूँगा ऐसे ही कोई 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 टॉपिक पर। तो गाइस आप लोग जाइए और सपोर्ट कीजिए दिल से, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अभी तो हम लोग दूसरा दूसरा टॉपिक पे आप लोग को वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो गाइस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी वो डिटेल में बताना है। पहले आप लोग को ई पासपोर्टिंग का जो फॉर्म होता है, फॉर्म ई पासपोर्टिंग का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म भरना पड़ता है। और फॉर्म भरने के बाद आप लोग को अंदर जाने के बाद वो वेरिफिकेशन के लिए और वेरिफिकेशन करता है। और वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग को पेमेंट करने के बाद पेमेंट करने के बाद आप लोग को फिर उधर फिंगरी और फ़ोटो शूट के लिए लेकर जाता है। और वहाँ पे फ़ोटो शूट और फिंगरी होने के बाद आप लोग को बोला जाता है कि वहाँ जाता है कि आप लोग 2 दिन बाद आपके पास मैसेज आएगा, उस दिन आप लोग आके अपना पासपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस यही था आज नेपाल का जो ई पासपोर्टिंग का जो प्रोसेस था, यही था। आप लोग ये ब्लॉग देखकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। और ये राज मोटर ब्लॉगिंग जो चैनल है उसको दिल से सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू एंड सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लव यू, बाय, सी यू।